Hey everyone, welcome back to Akanksha Singh blog. I hope you are all healthy and I am also good. तो गाइज आज मैं आप सभी को लेके आ गई हूँ जनपद मार्केट और जनपद मार्केट की सबसे स्पेशल लेन गुजराती लेन. और यकीनन ये मार्केट जो है ना काफ़ी लोगों को नहीं पता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रेयर लोग ही इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जब भी आप कभी जाओगे यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं मिलने वाला है. ठीक है, तो जैसे ही आप जनपद से भी आप आ सकते हैं और आप राजीव से भी आ सकते हैं. जब आप राजीव चौक से आएंगे तो आपको ना रास्ते में बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी, तो बेटर है आप राजीव चौक से आएँ. मैं तो राजीव चौक से ही एग्ज़िट करती हूँ. तो जैसे ही आप रास्ते में चलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप की शॉप देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको बहुत ही प्यारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे. और ये जो आप देख सकते हैं ये 100 रुपये पर पीस है, आप कोई सा भी लें ये आपको 100 रुपये पर पीस मिलेगा. और तो गाइज यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको जनपद मेट्रो से एग्जिट करना है या फिर आपको राजीव चौक से एग्जिट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी आपको शॉप्स देखने को मिलेंगी. एंड नाउ दिस गुजराती लेन, इस वाइब्रेंट मार्केट जिनको कलर एंड एथनिक वेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं शौक से. और आप देख सकते हैं आपको ना यहाँ पे बहुत ही यूनिक कलेक्शन मिलने वाला है. आप देख पा रहे हैं जिसमें आपको बैग मिलने वाले, बहुत ही प्यारे बैग जो कि हैंडमेड बैग हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको पोसेस मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको रनर मिलने वाले. और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मार्केट है. सीरियसली यार, मेरे तो भाई बस पूछो मत, देखने में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, मेरे को तो पागल कर दिया इस मार्केट ने. बट हाँ, ये कॉस्टली है यार, लेकिन मतलब ऐसे लगता है ना जैसे कि जो इसका एक एक पीस है ना वो बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है. जैसे कि आप यहाँ पे क्लचेस वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे आप पोर्टली बैग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा हटके कुछ देखने को मिलेगा. अब आप ये बैग्स देख लीजिए, इतने प्यारे लग रहे थे ना बस पूछो मत यार. मतलब इतना प्यारा वर्क था, जिन पे मिरर वगैरह का भी वर्क हो रखा था इन पे बैगों पे. ये वाला बैग कितने का होगा? ये 4,500 का. तो जैसे कि आप सुन ही चुके हैं कि 4,500 का बैग है. ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने भी बैग देखेंगे वो सबकी कॉस्ट ऐसे ही है. यहाँ पे 1,500 से बैग की शुरुआत है, 1,500 के बाद में फिर वो बैग ऊपर चले जाते हैं. बट इन पे आप काम देख सकते हैं, काम इन पे बहुत ही प्यारा था. ये वाला जो बैग है, ये वाला बैग उन्होंने मुझे 3,500 के समथिंग बताया था. एंड इसमें जो प्राइस है वो सारे ही प्राइस आपको मतलब इसी टाइप में मिलेंगे. ये वाला जो बैग देख रहे हैं ये 2,800 रुपये का बैग था, तो आंटी ने इस टाइप से, और इसमें बार्गेनिंग आप कर सकते हैं. ये वाला जो बैग देख रहे हैं ये समथिंग 3,500 के आसपास का था. ठीक है, तो सबका यहाँ पे अलग अलग प्राइस है और प्राइस बहुत ही कॉस्टली है, बट बैग भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है. और आप ये वाला जो बैग देख रहे हैं ना, ये बैग 6,500 का है. ठीक है, तो इस टाइप में आपको यहाँ पे बैग देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही यूनिक लग रहे थे. आप इस टाइप में पोर्टली टाइप में बैग जो है यहाँ पे भी आप हैंडमेड देख सकते हैं, आप इनका वर्क देख सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारे बैग थे. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के ना इयररिंग मिल जाएंगे और बहुत ही प्यारे. और अगर हम ये इयररिंग की बात करें तो ये भी गाइज यहाँ पे वही 200-250 से स्टार्टिंग है इयररिंग्स. यहाँ पे जितना भी आप सामान देख रहे हैं सब आपको बहुत ही यूनिक मिलने वाला है, कुछ तो बात है यार इसमें. और लेकिन बहुत कॉस्टली भी है, तभी मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा कॉस्टली है. आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप के भी बैग मिल जाएंगे जो कि बहुत ही प्यारे थे, जो कि खादी के बैग थे. ठीक है, खादी के बैग थे जिसपे कौरी का काम हो रखा था. इनके पास में आपको कुछ ड्रेसेस भी मिल जाएंगी जो कि थोड़े से हटके थे बट अच्छे लग रहे थे ड्रेसेस, जिनपे जो काफ़ी हैवी था. यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के रनर वगैरह मिल जाएंगे देखने के लिए. यहाँ पे आपको कुशन कवर मिल जाएंगे. और अगर हम बात करें कुशन कवर की, तो यहाँ पे ये जो कुशन कवर आप देख रहे हैं ना, ये 150 का एक था. ओके, 150 का मैं पेयर नहीं बोल रही हूँ, 150 का सिंगल बोल रही हूँ. तो आपको यहाँ पे कुछ टाइप के ये इस टाइप के सूती कुशन मिलेंगे, जिन पे आप देख सकते हैं पेंटिंग का काम हो रखा था, इन पे रेशम का काम हो रखा था, बहुत ही प्यारा काम लग रहा था. और इनकी अगर हम बात करें कुशन की, तो सब जितने भी आप देख रहे हैं सबका अलग अलग प्राइस है. ये वाला जो देख रहे हो ये अलग प्राइस में, ये जो है 200 का भैया बता रहे थे, और ये भैया बता रहे थे 250-300 के राउंड बता रहे थे. ठीक है, अगर आपको सिंगल चाहिए, एक ही कलर में चाहिए, एक ही डिज़ाइन में, वो भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है,
या फिर आपको थोड़ा चेंज चाहिए अलग अलग, तो वो भी भैया यहाँ पे आपको दे देंगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको कॉटन के भी थे, ये सूती जो आप देख ही पा रहे हैं, वेलवेट के किपकुशन भी थे, और जिन पे वर्क बहुत ही प्यारा था, इनके पास में काफ़ी अच्छा सामान लगा। मेरे को प्रॉपर कुशन चाहिए तो वो भी इनके पास में थे। और आप ये इस टाइप के रनर देख सकते हैं, अगर हम रनर की कॉस्ट की बात करें तो 650 रुपये से स्टार्टिंग होती है यहाँ पे रनर की, ठीक है। उसके बाद में जो कॉस्ट जाती है वो 3000 तक जाती है। इसके बाद कुछ ज्वेलरी देख सकते, आप देख सकते हैं जितनी भी ज्वेलरी है ना, कुछ ना कुछ इसमें यूनिक है। आप ये पीस जो देख रहे हैं ना, ये पीस कॉस्टली है, सीरियसली आपको बिलीव नहीं होगा। आप अगर गैस करिए कि कितने का पीसेस होगा, ये पीसेस बहुत ज्यादा कॉस्टली, मुझे तो सही में कॉस्टली लगा। अगर हम बात करें जैसे कि इस वाले पीसेस की, तो ये पीस 1250 रुपए का था। और यहाँ पे आप जितने भी पीसेस देख रहे हैं सब सीरियसली बहुत ही कॉस्टली थे, बट कुछ ना कुछ यूनिक थे, बहुत यूनिक लग रहे थे यार इसमें, है ना। आपको यहाँ पे बैंगल्स मिल जाएंगे, बैंगल्स टाइप मिल जाएंगे, काफ़ी टाइप में थे। एंड जो आप इयररिंग्स देख पा रहे हैं ना, ये इयररिंग्स यहाँ पे 450 से स्टार्टिंग है, जो 1000 तक की रेंज में जाएंगे, ठीक है। मीना लगे हुए और कुंदन का काम था इन पे। और इनके पास में आपको रनर वगैरह भी मिल जाएंगे, पोसेस मिल जाएंगे, रनर मिल जाएंगे, डोरमेंट वगैरह भी थे, बहुत ही प्यारे थे। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कितने प्यारे रनर हैं। और अगर हम भैया की नेचर सच में बहुत अच्छी थी, अगर हम इन भैया की बात करें तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे स्टार्टिंग 650 से है, 650 के बाद में ये 3000 प्लस यहाँ पे रनर जाता है, ठीक है, पर पीस। अभी आप जो ये वाला पीस देख रहे हैं ना, ये भैया ने मुझे 800 समथिंग का बताया था, ठीक। बाकी बार्गनिंग आप कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है कि आप कितने अच्छे से बार्गनिंग करेंगे। बाकी जो काम था, असल में क्या ना, इतना अट्रैक्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है देखने में यार मेहनत का काम तो है, क्योंकि इतना खूबसूरत। और आप खुद भी देख रहे हैं ना कि यार होम डेकोर में जब आप यूज करेंगे तो यार कुछ ना कुछ मतलब हटके तो है यार, है ना। और काफी ज्यादा मेहनत की गई है इन चीज़ों पे, आप देख भी पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे बस यही मान के चलिए 650-700 रुपये से यहाँ पे रनर की स्टार्टिंग होती है ना। उसके बाद में तो फिर वही 1500, 2000, 2500, 2500 इस तरीके से जाता है। और ये भैया जो है, जैसे ही आप एंट्री करेंगे राइट हैंड पे आपको यहाँ पे ये भैया मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के भी बैग मिल जाएंगे, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना गाइज, इसमें आपको हैंडमेड बैग मिल जाएंगे, ठीक है। इनकी जो अगर हम प्राइस की बात करें तो सबकी प्राइस यहाँ पे जो है, सबके प्राइस अलग अलग थे, जो कि 400 से यहाँ पे शुरू था इनके पास में 400 रुपये से, ठीक है। ये थोड़े गुजराती से थोड़े से अलग थे, जिसमें अफगानी बैग भी रखे थे, क्लच भी रखे थे, है ना। इसके बाद में यहाँ पे आपको ना कुछ इस टाइप्स में कपड़े भी मिल जाएंगे, बैग भी मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ जैसे आप जैकेट देख पा रहे हैं, जैकेट मिल जाएंगी। और थोड़ा सा कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको हटके मिलेगा, है ना, थोड़ा सा हटके, मतलब जो वर्क है ना इन पे, वो कुछ ना कुछ तो यार अलग है। एंड यहाँ पे जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, कुछ साड़ी वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी, शॉल वगैरह देखने को मिल जाएंगी। अगर हम बात करें प्राइस की, तो गाइस सबका यहाँ पे अलग अलग प्राइस है ना, सबका सेम नहीं है, सबका अलग अलग है। और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बताते हैं, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करते, अगर मानो बार्गनिंग भी करें ना तो भी कम नहीं करते। अब जैसे कि आप ये इसमें जो बैग देख रहे हैं ना, आप इसमें देख रहे हैं, ये जो मैं येलो वाला जो ये जो बैग है, सॉरी येलो ये बैग है, 5000 का बैग भैया ने बताया था ना, ये ब्राउन कलर का जो बैग है। तो यहाँ पे जितने भी बैग देख रहे हैं सभी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। इनके पास में जो आप देख सकते हैं, इनके पास में ना थाल पोसेस भी मिल जाएंगे, जो कि जिन उन पे भी मिरर का काम हो रखा था। इस टाइप की आपको ज्वेलरी देख सकते हैं जो बहुत ही प्यारी थी, इसमें आपको अफगानी ज्वेलरी मिल जाएगी। और इसमें जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी हटके है, मतलब आप नॉर्मली मार्केट में जाएंगे ना तो ऐसा नहीं आपको लग रहा होगा ना मिक्सअप सा, ये नॉर्मली मार्केट वाली ज्वेलरी है ही नहीं, ये ज्वेलरी आपको कहीं सरोजनी वगैरह में कहीं नहीं मिलेगी, ये ज्वेलरी तुमको यहीं पे मिलेगी, ठीक। तो इस टाइप के जितनी भी आप ज्वेलरी देख रहे हैं यहाँ पे, सबके अलग अलग प्राइजेस हैं, आप देख सकते हैं। आप इसमें बैंगल वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ आप इस टाइप से देख सकते हैं ना, यहाँ पे वही जो रनर शॉल आप देख सकते हैं, शॉल भी बहुत बहुत प्यारे थे। इसमें जो शॉल है ना, उन पे भी आपको रेशम वगैरह का
वर्क मिल जाएगा। ठीक, आप इसमें गाउन वगैरह देख सकते हैं, साड़ी वगैरह देख सकते हैं, शॉल भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे इनके पास में, अच्छे लग रहे थे यार। ठीक, तो ये अपने हिसाब से बताते हैं ये लोग, बाकी बार्गेनिंग आपका काम है। और जैसे कि लेसेस वगैरह है ना, ये आप जैसे लेसेस देख पा रहे हैं, इनका भी सबका अलग अलग था। ठीक है, 30 रुपये मीटर, 50 रुपये मीटर, मतलब इस टाइप से था। और 30 तो सबसे जो बिल्कुल वैसी थी ना, वो 30-40 रुपये मीटर। ठीक है, तो इस टाइप के आप देख सकते हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है जो लेसेस वगैरह, और जैसे कि लहंगे वगैरह होते हैं ना, जैसे आप ये लहंगा देख सकते हैं, पता नहीं है कि किस टाइप के यूजेबल है, कैसे आपको लहंगे की लेसेस मिल जाएंगी यहाँ पे। और लहंगे की जो वो होती है, क्या बोलते हैं यार, साइड कल जो होती है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और रनर की तो भाई यहाँ पे भरमार थी, सही में रनर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो यार ये मार्केट मुझे तो ऑनेस्टली बहुत ही प्यारा लगा। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये आप देख सकते 300 का रनर था। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सबके अलग अलग रेट मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, आप एक बार ज़रूर जाना गुजराती लेन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अदर कलेक्शन देख सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे भी आपको कुछ कुशन कवर वगैरह मिल जाएंगे बहुत ही खूबसूरत। एंड यहाँ पे आप कुछ देखेंगे ना, थोड़ा सा आपको एंटिक मिलेगा, ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे शॉप, जो कि बहुत ही प्यारी थी। आप यहाँ पे होम डेकोर का सामान ले सकते हैं, और इतने खूबसूरत आप देख सकते हैं ना, बहुत ही प्यारा प्यारा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब जितना भी आप देख रहे हैं ना, सब पे यहाँ पे वर्क्स जितना भी है, सब पे हैवी वर्क आपको यहाँ पे मिलेगा ना, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। एंड गाइज यहाँ पे आपको लहंगा चोली मिल जाएंगी, अदर टाइप ड्रेसेस यहाँ पे आप देखने को मिल जाएंगी, जो बहुत ही हैवी वर्क में यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अब ये मुझे नहीं पता कि यूजेबल है कैसा है, ये आप जाना और जाके देखना। आई थिंक यूजेबल है, देखने में थोड़ा सा लग रहा था, बट आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ ये ड्रेसेस देख सकते हैं, जो कि अदर टाइप से जितने भी आप कुर्ते वगैरह देख रहे हैं, सब पे हैवी वर्क था। जैकेट्स वगैरह आपको डेनिम में जैकेट मिल जाएंगी, जिन पे मतलब उन पे भी हैवी वर्क था। तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं, साड़ी शॉल वगैरह जितने भी थे ना यहाँ पे, दुपट्टे आपको मिल जाएंगे हैवी वर्क के, कुर्ते आपको मिल जाएंगे अगर आपको सिंगल कुर्ता लेना है ना, कॉटन में लेना है कॉटन में मिल जाएंगे, लेसेस मिल जाएंगे। और लेसेस भी जो भी मिलेंगी ना आपको, वो भी आपको वर्क में ही मिलेंगी यहाँ पे। मतलब आप ये कह लीजिए ना कि सिंपल तो कुछ था ही नहीं। और सही में जिनको थोड़ा सा कलरफुल पसंद है ना चीज़ें, उनके लिए मार्केट बेस्ट है भाई। ठीक है, और मैं तो यही बोलूँगी कि यार एक बार तो मार्केट ज़रूर जाना। आप इस टाइप में बैग देख सकते हैं, बड़े कैरी बैग, वो भी आपको मिल जाएंगे। हाँ बट प्राइस था थोड़ा सा कॉस्टली, बट हाँ जब आप मतलब लेके चलेंगे तो थोड़ा सा था यार, यूनिक सा है, देखने में अच्छा लगेगा ना। इस टाइप में आप ये बैग वगैरह देख सकते हैं इनके पास में, पोसेस तो इनके पास में बहुत ही प्यारे प्यारे थे। कुछ आपको कुर्ते मिल जाएंगे है ना, कुछ आपको यहाँ पे कश्मीरी कुर्ते भी देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब कुछ अलग अलग टाइप के कपड़े थे ना, जो वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप जाइए और जाके देखिए। तो ये जो मार्केट है, ये इसीलिए गुजराती मार्केट से सॉरी गुजराती लेन से जो है फेमस है, और जिसमें आपको सब कुछ यूनिक ही मिलने वाला है। कॉस्टली होने वाला है, बट सब कुछ यूनिक मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो अगर आप राजीव चौक से अगर आते हैं, तो आपको कुछ इस टाइप में यहाँ पे शॉप देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, और इसमें जैसे कि आप शॉप देखेंगे, साड़ी वगैरह की शॉप मिल जाएंगी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, पूजा वगैरह का सामान कुछ इस टाइप से, कुर्ते वगैरह, मतलब इस टाइप की आपको बहुत सारी शॉप यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और जितनी भी मतलब यार ये मार्केट मैं सही बताऊँ बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ना। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियोस को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखना, क्योंकि फिर आप प्राइस में फिर आपको समझ में नहीं आती है वीडियो। तो मिलती हूँ जल्दी ही न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।